la 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 la. उठो उठो. कहाँ रे होशियार ही सारी सारम जाती होशियार हमसे होशियारी करेगी रे. एक बात समझ लो, हमसे बच नहीं पाओगी. और सुनो, मोटा चेन पहनती हो वहाँ फांसी लगा देंगे. मुंह पर लिपस्टिक का जगह मिचाई लगा देंगे. और पैर में पायल का जगह जंजीर डाल देंगे. हमसे बच नहीं पाओगी. और ज्यादा होशियारी करोगी ना तो जान से मार देंगे. अब तेरे किए हुए बुरे कामों को इसे पेपर में नहीं लिखना चाहिए था. तूने क्या कोई विधानसभा बनवाया है या कोई बांध बनवाया है? बड़े बड़े 30 मारखा खामोश है यहाँ पर, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? औरतों को धमका कर जीने वाले तुझ जैसे कमीने की अगर इतनी हिम्मत है तो औरों को अपना समझकर उनकी रक्षा कर. तुम्हारा बाप तुम जैसे बेटे की देखभाल नहीं कर सकता है तो वो इस देश की और इस देश की जनता की क्या देखभाल करेगा? बाप तक मत जाना, अच्छा नहीं होगा. नहीं तो तुम्हारे बाप को रास्ते पर आना होगा. hey, मेरे पिता गोल्ड हैं, गोल्ड देवता की तरह है. वो तुम्हारे बाप की तरह रोल गोल्ड नहीं है जो जिंदगी का मतलब भी नहीं समझता. मेरे पिता कवियों की कविताओं में झलकने वाले चरित्र की तरह है, महागाथाओं के पात्र है. वो संस्कृति की मिसाल है. वो दुनिया भर के लोगों ने हमेशा उनसे शिक्षा लेने की कोशिश की है. जाकर उनसे पूछो जो उनके सामने सर झुका कर बात करते हैं. तुम्हारे बाप पर तो लोग थूकते हैं, तुम उससे अलग कहां हो? आइंदा तुम इस लड़की के पीछे पड़े तो ठीक नहीं होगा, समझे? ए,
मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसी मार मारूंगा कि दुनिया में कहीं भी तेरा इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों भाभी, तुम किसी इंटरव्यू की बात कर रही थी ना, देर नहीं हो रही है क्या? ए, सोचती हूँ आज तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं। देखो मैडम, पैसा देकर पब्लिसिटी पाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सॉरी। पैसों की बात नहीं है, तुम एक हमदर्द इंसान हो, इसलिए थैंक्स के बदले एक छोटा सा तोहफा बस। ओहो देवी जी, आज के जमाने में हमदर्दी धन्यवाद जैसी बातें तो रही नहीं है। और तुम पुराने जमाने की बातें मत करो। अच्छा बताओ, रहते कहाँ हो? ऑफिस से सीधे वहीं आऊंगी। भारतीपुरा, यू आर अनंत मूर्ति, पूछ लेना। धत, अजीब आदमी है, मुसीबत में पड़ो तो मदद करता है, प्यार से साथ देने को कहो तो दूर भाग जाता है। भगवान जी, जिस तरह बजरंगबली ने राक्षसों को पछाड़ा था, उसी तरह आपने भी उस गुंडे को दिन में तारे दिखा दिए। मुझे तो परम आनंद मिला, आप जैसे युवा अगर हमारी पार्टी में आ जाएं। कहावत तो सुनी होगी, बहुत मशहूर कहावत है, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बड़ा दादा है तू, मिनिस्टर के बेटे पर हाथ उठाता है, कितना दम है तुझ में, आज सारा निकाल दूंगा। इतनी पिटाई की फिर भी तू टस से मस नहीं हुआ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे रे रे, मास्टर जी आप? ये क्या सर, आप मुझे नमस्कार करेंगे? मुझे तो आपके चरण छूने चाहिए। बैठिए ना सर, बैठिए। अपने बेटे को लेने आया हूँ मैं। आपका बेटा यहाँ पर? अंदर अब तक जिसे मार रहे थे वो ही। सॉरी मास्टर जी। ओ शर्मा, ओ भगवान को इधर ले आ, मैं पहले ही समझ गया था उसकी भाषा, हाव भाव और तौर तरीके देखकर कि ये किसी अच्छे परिवार से आया है, किसी साधारण परिवार का नहीं है। आपका बेटा शेर की तरह है मास्टर जी। आपसे शिक्षा लेकर लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग स्कूल की शिक्षा, आदर्श मर्यादा, इन सब को भुला चुके हैं। देखा मास्टर जी, जमाने की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग आंधी को भी हवा का झोंका समझने लगे हैं। मैं वहां अंदर मार खा रहा हूं और तुम लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हो। अरे वाह दोस्त, हो तो ऐसा, तुम आ गए। तुम्हारी हर अदा पे मैं मरती हूँ, तुम मुझे चाहे पागल कहो या कुछ भी कहो, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मुझे पसंद करते हो ना? मास्टर जी आ गए। जाओ कोई ऑटो रोको, सब्जी लेकर हम लोग घर जाएंगे। जी ऑटो भैया, हमारे ऑटो में आइए। चले बिड़ो, भाई ने पहले अपन को बुलाया और जाएगा भी अपनी इस गाड़ी में। भगवान भाई, ये क्या, आपने वसूली के पैसों से मुझे ऑटो दिलाया, आप मुझे सेवा करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं देंगे? आइए ना भैया, मेरे ऑटो में आइए। मास्टर जी आप ही कहिए ना भैया से। ये टमाटर कैसे दिए भाई? 10 रुपए का 3 किलो। मास्टर कितना अन्याय है, न जाने कितनी तकलीफें झेल कर किसान माल पहुंचाता है, फिर भी उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती है। और यहाँ बाजार में, यहाँ किसान का पसीना नीलाम हो रहा है सबके सामने। यही हाल है। क्यों रे घने के बच्चे खुसड़ बुड्ढे, बेटी की शादी के लिए जो रुपए लेके आया था उसका ब्याज भी नहीं दिया, एक तो लड़की का शादी भी नहीं किया, ऊपर से नाटक दिखाता है। अभी एक काम करता हूँ, अब मैं तेरी बेटी को अपने साथ लेके जाता है, ब्याज समझ लूंगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी के साथ अन्याय मत कीजिए। इस बार दूसरा लड़का उसे देखने आ रहा है, ना इसके पैसे भी नहीं है। शादी करके लड़की ससुराल जाएगी तो मैं दुकान बेचकर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ए, जब तक तेरी दुकान नहीं बिकती इसे मैं अपने पास रखूंगा। जिस लड़के से भी शादी कराएगा ना वो लड़का एकदम खुश हो जाएगा। सौदा हो चुका है, समझ गया बूढ़े? चल हट बाजू में, चल इधर। पापा,
कोई बात नहीं, तेरा गुस्सा जायज है बेटा। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मेरे पेट में भी आग लगी है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, कौन हो जी, कौन हो तुम? सर मैं हूँ मैनेजर बैद्यनाथ सिंह सर। हाँ मैनेजर, तुम मैनेज करते हो कि मैनिपुलेट करते हो जी? सब का है, 3 दिन से मैडम स्विमिंग नहीं गई हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं गई हैं, उसका बॉडी सेक्सी नहीं होगा तो उसको कौन देखेगा, उसका फिल्म कौन देखेगा? मैंने उनसे कहा सर, कहती हैं स्विमिंग ड्रेस नहीं पहनूंगी, बेड सीन नहीं दूंगी। अरे समझाओ, प्यार से उसको समझाओ, कर देगी। नंदिता, नंदिता, ए मेरी जान जाने मन, कहाँ हो तुम? नंदिता, कैसी हो जाने मन? हम ही नरसिम्हा हूँ, इस सुपरस्टार का ओनर। यारते किसके लिए, भगवान के लिए या हमारे लिए? भगवान के लिए। उसका काम तो हो गया, पैसा कमाने के लिए किस्मत चाहिए और किस्मत आसानी से नहीं मिलता है, मेरा बात सुनना पड़ता है। मेरा बात मानो, खूब पैसा मिलेगा, खूब पैसा। और अगर नहीं मानोगी तो मार मार के चमगादड़ बना देंगे। मैं कोई ऐसा वैसा सीन नहीं करूंगी। करना ही पड़ेगा, कालिया पांडे को फोन करूंगा। हाँ, और ये कहाँ सावित्री बनी हो, उतारो इसको, उतारो, अरे उतारो इसको। हाँ, हाँ, अब ठीक है। आहा, आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं, हम है ना, पैसा देखिए, पैसा आप एडवांस दे दीजिए। अरे हम है ना, देखिए आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम इसको। नंदिता। क्या जी, शूटिंग खत्म हो गया? गुड। देखो 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 देखो, सब तुम्हारे वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सुपरस्टार तुम ही हो। जानती हो तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ, फ्रिज में पड़ा हुआ है, जाओ जाकर ले लो। आज रात तुमको होटल अशोका जाना है, जाओ तैयार हो जाओ। राजापुर से कालिया पांडे का फोन आया था। हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, सिर्फ कंपनी देने के लिए जाना है, जाओ तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, जाओ ना। अच्छी लड़की है भाई। उठो उठो, कहाँ रे, होशियारी, साली शर्म जाती, होशियार, हमसे होशियारी करेगी रे? एक बात समझ लो, हमसे बच नहीं पाओगी। और सुनो, मोटा चेन पहनती हो वहाँ फांसी लगा देंगे, मुंह पर लिपस्टिक का जगह मिचाई लगा देंगे, और पैर में पायल का जगह जंजीर डाल देंगे। हमसे बच नहीं पाओगी, और ज्यादा होशियारी करोगी ना तो जान से मार देंगे। अब अरे तुम रुक क्यों गए? कमाल करती हो, लोगों ने उसे पसंद करके स्टार बना दिया है, हमें कम से कम फूलों का हार तो ले लेना चाहिए। अब जाओ भी ले आओ। That's right. जरा मोबाइल तो देना। Excuse me. Hey, कौन है आप लोग? दीपा, प्रेस, पत्रकार, इंटरव्यू लेना किसी है? को अंदर अलाउड नहीं है, मैम सब मुंबई से बाहर गई हैं, घर में कोई नहीं है, चलिए जाइए यहाँ से। भागी, ये तो अंदर ही नहीं जाने दे रहा, प्लीज कुछ करो ना।
वो कब आएंगी बाहर से? मालूम नहीं। उनके लिए ये हार लाए थे, अब इसे फेंक दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ए, क्या कर रहे हैं आप लोग? ए, निकालना मत बॉम्बे इसमें। क्या क्या निकालना मत? रिमोट दबाएगा तो उड़ जाएगा क्या? चल गेट खोल, चल। हिलना मत बोला ना। अभी अंदर चल। हिलना मत बोला ना। ए, ज्यादा बात नहीं है, अभी अंदर चलने को बोला तो अंदर चल, चल चल। हेलो, एनीबॉडी इज देयर? ओए, तुम्हारी स्टार किधर है रे? ऊपर कमरे में है। हिलना मत, अगर हिला तो रिमोट है दबा देगा। मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। हाँ, ऐसा ही खड़ा रहने का क्या? हाँ जी, मैं ऐसा ही खड़ा रहूंगा। गुड, चला बे। क्या यही है क्या? हाँ। क्या शौक खाई हुई लड़की की तरह रो रही है? क्या यही स्टार है क्या? कौन है, कौन चाहिए? सिक्योरिटी, मैं हिल नहीं सकता, बॉम्ब है। हम प्रेस वाले हैं, हमें इंटरव्यू चाहिए, जस्ट हाफ एन आवर बस, इफ यू डोंट माइंड। आपके होते हुए भी लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप इंटरव्यू नहीं देंगी, फोटो नहीं खिंचवाएंगी, ऐसा क्यों? ये तुम कहाँ रोने धोने वाले के पास ले आई? चलो यहाँ से। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज, मैं बर्बाद हो गई। ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे कैद में रखा है। दया कीजिए, मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलिए, प्लीज। मुझे ये किसी प्रॉब्लम में लगती है, तुम्हें इस तरह क्यों रखा गया है? ये बहुत दुखद कहानी है, फिर बताऊंगी। वो राक्षस आएगा तो मार डालेगा। वो कौन है, कहाँ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। ये कौन है? कौन है ये? क्या कहा इससे? तुमसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखो। हैं? ए, मेरी गैर हाजिरी में लोगों को बुलाकर कहानी सुनाने की हिम्मत आ गई है तुम्हें? अबे हिलना मत, बैठो बैठो। ए भागी, रुक जाओ। ए भागी, ए रुको। अरे तुम डरो मत, ये सब मेरे ही दोस्त हैं। बैठो यहाँ पर, बैठो बैठो। कोई इसे इतनी बेदर्दी से मार रहा था, मैंने देखा मुझे बहुत गुस्सा आ गया, दो चार लगा दिए उसे। यहाँ ले, ये लो। पहले उसे दो। ठीक है, पहले तुम लो। एक और पुलिस केस सिर पर ले लिया। गुस्से में तुम क्या कर जाते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो कहाँ रह गई बॉबी, उसको कहाँ छोड़ दिया तुमने? हाँ, मुझे क्या पता, वही थी वो। मुझे लगता है वो मैनेजर का इंटरव्यू ले रही होगी। भागी भागी, मुझे क्या लगेज बैग समझ लिया कि जहाँ चाहो छोड़कर आ गए? ए, क्या कर रही है अभी? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी दोस्त कहती है, फ्रेंड कहती है, लवर कहती है। कल वो मुझे जैकपॉट कह रही थी और आज मुझे लगेज बैग कह रही है। वैसे भी लगेज बैग को कभी कभार पीठ से नीचे उतारना भी पड़ता है। तो तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम कभी भी छोड़ सकते हो। देखा, अभी से साथ छोड़ने की बात कह रही है। अरे तुम ही ने तो कहा था ना इसका साथ दो, तो मैंने साथ दिया। कहो तो इसे मैं अभी छोड़ आता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। देखो इंटरव्यू ले लेती हूँ, फिर जहाँ चाहे छोड़ाओ। हाय। वैसे आपका ओरिजिनल नाम क्या है? महालक्ष्मी। शरद सिन्हा आपके असली पिता है ना? नहीं, वो एक चांडाल है। मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। एक डांस प्रोग्राम के दौरान शरद सिन्हा की नजर मुझ पर पड़ी। वो किसी तरह मुझे अपने वश में करना चाहता था। पहले उसने
मेरे पिताजी को वश में किया। उन्हें शराब पीने की आदत थी। शरद सिन्हा ने उन्हें और भी गलत आदतें सिखा दी। अपनी तमाम कमजोरियों के आगे पिताजी ने घुटने टेक दिए, जिसका उसने फायदा उठाया। उसने मेरे साथ 20 साल का एग्रीमेंट कर लिया और हम देखते रह गए। और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन गई। नीच कहीं का, कैसे कैसे लोग औरतों को फंसाकर शोषण करते हैं। 20 साल का एग्रीमेंट, ये मेहनत करे कमाए और उसे दे। अजीब बात है ये तो। तुम डरो नहीं नंदिता, प्रेस के सामने उसकी पोल खोलकर तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गांव जाना चाहती हूँ अपनी माँ के पास। डोंट वरी नंदिता, प्रेस। नहीं प्लीज, मुझे प्रेस से बहुत डर लगता है। मुझे माँ के पास पहुँचा दीजिए, मेहरबानी होगी। भागी, पहले ही कहा था मैंने, इन लफड़ों में मत पड़ो तुम, लेकिन सुनती हो तुम मेरी, अब भोगतो ये सब। अरे भागी, देखते ही देखते मैनेजर की पिटाई करके तुम इसे यहाँ ले आए और मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब कुछ करूंगा। अरे घर वाले मेरी धुलाई करेंगे, अब तुम जानो और तुम्हारी ये हीरोइन जाने। कबड्डी खेलो, लंगड़ी खेलो, कुछ और भी खेलो, लेकिन मुझे बख्श दो। सी यू। ए ए ए, एन वक्त पर पेट दिखा दी इसने। व्हाट टू डू नाउ? क्या हुआ? आसमान के सितारों को देखकर यही सोच रही हो ना कि आसमान भरा है सितारों से और तुम कितनी खाली हो? डोंट वरी, वो शिव की तरह है, जानती हो, जब तक शांत है तब तक शांत है वो। गुस्सा आया तो तीसरी आंख खोलकर अपने गुस्से में सबको जलाकर राख कर देता है वो। जिस काम का बीड़ा उठाता है उसे पूरा करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसे पटाने के लिए। ओके? सर। हाँ बोलो। पुलिस कंप्लेंट करें सर, या फिर पेपर में न्यूज़ दे दें? बाप रे, पुलिस कंप्लेंट। मैनेजर, तुम मैनेजर है रे? तुम साला मैनेजर नहीं, घसियारा है। पुलिस और पेपर दोनों जनता के सेवक। अगर ये बात पेपर में छप गया ना तो तुम्हारा गेट पास, फिर बस पास और फिर लाइफ पास देना पड़ेगा तेरी तो। पहले पता लगाओ लड़का लड़की कौन है और कहां पर रह रहा है, नहीं तो तुमको जिंदा जला दूंगा। लाश तो कोई पूछवाना नहीं होगा, समझा? जाओ। अरे जाओ यहां से तेरा। कुछ पता चला? चलो आओ जल्दी बैठो। चलो 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 आओ, सभी जल्दी आओ, चलो बैठो। मैं अपने बच्चों को इसी तरह खिलाती हूँ, सोचा आज तुम्हें भी। ये देखो, ये कवि महाशय भी क्या क्या लिखते रहते हैं। अचानक मिली, देखकर खिली, आज हमारे दो बच्चे हैं। क्या हुआ, सभी लोग एक ही सुर में हंस रहे हो? अरे हमारा हंसना छोड़ो बॉबी, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ तुम उसके ख्वाब देख रही हो, वहाँ सारे घर वाले नई दुल्हन को देखकर फ्लैट हो गए हैं। अब तो तुम्हारा चांस गया बॉबी। अगर मेरा चांस उसने ले लिया तो मैं उसका चांस छीन लूंगी। मतलब? मतलब कल वो पूना लेके जा रहा है, उसे नहीं, इस बॉबी को। द सेम बॉबी। भागी, ये लो, जब तक तुम लौटते नहीं इसे साथ में रखना। ये साथ रहेगा तो समझना मैं साथ में हूँ। अच्छा,
तुम मुझे ये इसलिए दे रही हो ताकि मेरा दिमाग खा सको। दिमाग खाने के लिए नहीं, तुम रास्ता ना भूल जाओ इसलिए। अरे ये देखो मेरे पास मैप है, भटकने का तो चांस ही नहीं है। जानती हूँ कि तुम नहीं भटकोगे, पर जो भटके हुए होते हैं उन्हें ये देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है तो चलूं मैं? धत चलूं नहीं, कहो हो आऊं मैं? अरे ये क्या, पहले तुम मुझे मेंटल लगती थी, अब तो पूरी तरह से सेंटिमेंटल हो गई हो। मैं तुम्हारे बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती, समझे? टेक केयर। अरे अरे ये क्या हो गया तुम्हें, आज जाने को जी नहीं करता? ये तुम्हें क्या हो गया आज बॉबी? ए बॉबी, ये क्या कोई रियल फीलिंग है? कैसा रहा जोक? अच्छी जगह है ये सोचकर वहीं मत रह जाना, वापिस जरूर आना, हमें भूल मत जाना, समझे? मेरा जन्म यही हुआ था, मेरा दिल हमेशा यही रहेगा। पूछो क्यों, डर लगता है ये सब कहीं खो ना दूं। तो आऊं? सॉरी जाऊं क्या? चलो। भगवान कौन है? अगर भगवान श्री कृष्ण की तरह रासलीला खेलने लगा है तो हम भी शिशुपाल की तरह हूँ, हम उसका गर्दन काट दूंगा। हमको चाहिए उसको पकड़ कर लाओ। अरे कौन है बे तू? भगवान, पैदा होने पर पहली सांस से मरते वक्त आखिरी सांस तक इंसान जिस नाम को हमेशा पुकारता है, भगवान। हे, मेरे साथ तुम्हारी बेटी है यहाँ, अगर तूने वहाँ पर कथक किया। कहाँ रहे तो? हे, आहिस्ता बोल, अपनी आवाज नीचे कर, गला भी फट जाएगा और तू किसी काम का नहीं रहेगा। तुम हो कहाँ भाई? अरे वाह, इस कुत्ते को तो एक्टिंग करना भी आता है, तुम जैसे नामर्द कुछ भी कर सकते हैं। अब ठीक से सुन, वहाँ से भागना मत रे। हे, सुन बे गेंडे, तू मुझको अपने जैसा एक नामर्द मत समझ, इसलिए मैं कहा हूँ ये मैं तुझे खुद बता चुका हूँ, प्यार से बात करने वाले के साथ हम हमेशा प्यार से पेश आते हैं। आ रहा हूँ, तेरी तो आ रहा हूँ। सर वो रहा। आप इनसे बात कर रहे थे? मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चलिए चलते हैं ना प्लीज। Oh!
कालिया पांडे जी, केशव केशव, कालिया पांडे किसी का खात्मा करने के लिए निकल रहे हैं। बाप जी को बताया? अभी नहीं बताया। भगवान, न्याय के लिए भगवान, अन्याय के लिए यमराज। तू ऊपर जाएगा तो वहां मिलेगा ओमकार यानी ईश्वर। यहां इधर इस इलाके में सिर्फ मैं ही नजर आता हूं, मैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। धर्मम शरणम गच्छामि, यही है मेरा मूल मंत्र। क्यों, लड़की का अपमान किया तुमने? अगर कंप्लेंट की है तो ईमानदारी से न्याय करना चाहिए। नहीं कर सकते तो ये नौकरी छोड़कर नमो नमः कहकर अपने आप को खत्म कर दो। लेकिन तुमने क्या किया? कंप्लेंट लिखने के लिए रिश्वत चाहिए। किस चाहिए तुम्हें? एक मासूम लड़की के ऊपर पूरी नजर डालता है। ये खाकी वर्दी तेरे लायक नहीं है। काट डालूंगा तुझे। गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार ऐसी गलती हुई है, अब कभी नहीं करूंगा, सच कहता हूँ भाई। तिरुपति का प्रसाद नहीं लोगे तो पाप लगेगा, और हमारे पास आकर सजा न पाई तो द्रोह कहलाएगा। रंगा। हाँ भैया। कुत्तों को खाना दिया क्या? अभी नहीं भैया। इस कुत्ते का हाथ काट कर अपने कुत्तों को खिला दो। मुझे माफ भैया। भैया, कालिया पांडे ने फिर से किसी को मारने की सुपारी ली है। महिषासुर फिर से जिंदा हो गया। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? इसे कभी मत निकालना, तुम्हारी रक्षा के लिए अर्चना करवाया है। तुम मुझे चाहे याद करो या ना करो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बग्गी, इतनी स्पीड से क्यों? स्लो चलाओ, आराम से चलो, इतनी जल्दी मत करो। हाँ ये ठीक है। यूं धीमे चलेंगे तो तुम्हारा गांव होली तक ही पहुँचेंगे। मुझे घर छोड़ने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बग्गी? मेरी कंपनी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बोर हो रहे हो। सोचते होगे कि ये कोई पागल लड़की है, जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा। अगर यही बात है तो मुझे यहीं छोड़ दो। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अगर कहो तो पैदल चलते हैं, कुछ महीने लग जाएंगे बस। पता नहीं मुझे छोड़ने के बाद फिर मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें स्लो चलाने को कह रही हूँ। फिर ये हसीन लम्हे मिले या ना मिले, ये किसको पता। तुम अगर यूं ही बातें करती रही ना तो मैं तो गाड़ी चलाने से रहा। तुम ठीक से बैठो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। किसी ढाबे पे चले क्या?
वो मुझे मात पर मात देता रहता है। इस इलाके में बम बनाने वाला मैं, प्लान करने वाला भी मैं, बम से उड़ाने वाला मैं और मर्डर करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी सभी लोग उसे ही भगवान क्यों मानते हैं? 30 इस इलाके में 30 बरस से ऐसा ही हो रहा है। मरना होगा। उसे खुद आकर मेरे पैरों पर अपना सर रगड़ना होगा। खामोश। हमारे वंश में आज तक कोई कायर पैदा नहीं हुआ। अग्निपुत्र वीर अभिमन्यु, मरना था तो वहीं मर जाते। उस कुत्ते की मार खा कर आने में शर्म नहीं आई तुम्हें? थू। ए, गाड़ी निकालो, देखते क्या हो, गाड़ी निकालो। अभी तक मालिश हो रही है, नस हटाने वाला कोई मर्द नहीं है। हटो यहां से। थैंक्स भैया, थैंक्स। जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी उसने भी यही कहा। ए, मैं तो उसे वहीं मार डालता, पर मेरे सामने वो लड़की आ गई। मुझे किसी आदमी ने नहीं मारा था, उस लड़की ने, उसकी कातिल निगाहों ने मार डाला। ला 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 ला। मुझे वही लड़की चाहिए भैया, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। ए, मरना तुझे नहीं हमारे दुश्मन को है, तुझे तो जीना है। अगर लड़की पसंद है तो बोल, अभी उठा लाऊंगा, कल शादी करवा दूंगा।
अगर वो मानती है तो ठीक, वरना वरना धर्मम शरणम गच्छामि। वो यहां नहीं आएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बग्गी, बग्गी, मैं नहीं जाऊंगी। बग्गी, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे नीलाम कर देंगे। वो लोग बहुत मारते हैं, हाथ पैर बांध कर टॉर्चर करते हैं। ना जाने कैसे कैसे दरिंदों के पास मुझे जाने को कहते हैं। बग्गी, मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए कोई कालिया पांडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चुपचाप जाकर सो जाओ। बग्गी, तुम नहीं जानते, वो सब राक्षस हैं। उसने मुझ जैसे कई लड़कियों को बर्बाद किया है। मैं क्यों लड़की बनकर पैदा हुई? ये किस बात की सजा है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं है? बग्गी, वो आजादी से नहीं रह सकती, उनकी इच्छाएं नहीं होती। अगर मैं मर जाऊं, मुझे मरना है। मरना है तो कूद जाओ इस आग में। कहो तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। ऐसे ही इसी डर की वजह से तुम जैसों को लोग डराते रहते हैं। मरना है ना तो मर जाओ। बोलो मन, अगर जीना है तो इस आग की तरह जियो। जो कोई भी इसे जलाने आता है ना, वो खुद जल जाता है, भस्म हो जाता है और जलकर राख हो जाता है, समझी तुम? अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जीवन की पतवार तुम हो, जीवन की धारा तुम हो, और तुम लोगों के बिना ये जिंदगी कैसी, किस काम का है ये जीवन? और अब तुम कहती हो कि मैं मरना चाहती हूँ। कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी ना, मैं नाचना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। तो जाओ खेलो, देखता हूँ साला कौन रोकता है। हटाओ ये सब, और इस पर भी अगर तुम मरने को ही मुक्ति समझती हो तो आइंदा मेरे सामने कभी भी मत आना। गुड नाइट। क्या हुआ रामू, कोई सपना? नहीं भैया, सच में वो यहाँ आई थी। आपने देखा? नहीं देखा। वो यहाँ आई थी भैया। सो जाओ, वो फिर आएगी। सो जा, सो जा। नंदिता, नंदिता, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। जीवन की पतवार तुम हो, जीवन की धारा तुम हो, और तुम लोगों के बिना ये जिंदगी कैसी, किस काम का है ये जीवन? तुम कहती हो मैं नाचूंगी, खेलूंगी, एंजॉय करूंगी, तो फिर करो, नहीं तो मरो। बग्गी, अगर तुम जैसा पति हो और तुम जैसा दोस्त हो तो कौन रोएगा, कौन मरना चाहेगा? नहीं बग्गी, मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी। I will enjoy my life तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ।
सॉरी। मुंबई के बूढ़े शेर, शेर जैसे नाम से कुछ नहीं होता, शेरों जैसा काम भी करना पड़ता है। पांडे जी सब आपकी दया है। अगर आप नहीं होते तो पुलिस लॉकअप में सड़ते रहते। उसने हमको बहुत परेशान किया, बर्बाद कर दिया उसने। घबराओ मत, मेरे शिकंजे में तुम्हारी जिंदगी नहीं, उसकी जिंदगी है। तुम्हारी हिरनी मेरे ही तो जंगल में है, लाचार और बेसहारा। चलिए देखते हैं। महालक्ष्मी कहाँ गई तुम? देखो कौन आया है। सिन्हा आया है, तुम्हारा अपना सिन्हा। बाहर आओ हिरनी। नंदिता हम है बेटा, सिन्हा। आ जा बेटा। क्यों संगमरमर जैसा बदन है, ब्यूटीफुल। देख ली ना, यहाँ वहाँ बेकार में भाग रही थी, आखिर में यहीं पर आकर फंस गई ना। एसी कार में आराम से घूमती रहती, मौज करती है, अब देखो AK-47 के बीच फंस गई हो। यही चाहिए था तुमको? तुम जो चाहो वो मैं करने को तैयार हूँ, सिर्फ एक बार मेरे माता पिता से मिलवा दीजिए। तुमने बुलाया बेटी? पिताजी देखिए, इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी की कैसी हालत कर दी है। अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। बकवास बंद करो, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? जो आदमी पैसा के लिए अपना बीवी को मार दिया, वो तुमको बचाएगा। तुम्हारी माँ 2 साल पहले मर गई। हाँ, अभी दूसरा शादी कर लिया। किससे? एक जूनियर आर्टिस्ट से। तुम्हारी माँ बहुत नखरा कर रही थी। अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो, न तो अपन माँ की तरह तू भी मरोगी। ए, मार डालोगे? आओ मारो मुझे। अरे पगला भी ये करे। मक्खी, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। कौन हो तुम? राम का भक्त हूँ मैं, एक सेवक जो राम राज्य स्थापित करना चाहता है, और जो उसे छेड़ता है उसे भी रावण की ही तरह सजा मिलती है। अगर तुम इतने बहादुर हो तो ये जंजीरें उखड़ जाएंगी। अगर तुम भी उस कालिया पांडे की तरह हो तो बचोगे नहीं। फिर बताना, मुझ जैसे नामर्द को अपनी मर्दानगी,
चॉइस इज योर्स। तुम्हारी आंखों में आग है, गुस्से में चिंगारियां हैं, तुम्हारी बाहों में देशभक्ति की शक्ति है। तुम्हारा संबंध कालिया पांडे से नहीं हो सकता। कालिया पांडे, ये कौन है? मैं तो सिर्फ एक को जानता हूं, नंदिता। उसे किसी तरह घर पहुंचाना है, यही मेरी जिम्मेदारी है। बुलाओ उसे। वो कालिया पांडे उसे उठा ले गया है। ओए, ज्यादा होशियारी तुमने करने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। अब सीधी तरह उसे बुलाते हो या? हाँ, ये देव का देव स्थान है, अधर्म को मिटाना ही यहां का मूल मंत्र है। मैंने तुम्हें कालिया पांडे का आदमी समझकर पकड़ लिया था। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हें अपनी छवि सी लगी, ऐसा लगा मानो मैं किसी युग पुरुष से मिला हूं। अब से तुम मेरे मेहमान हो, चिंता बिल्कुल न करो। उस लड़की को तुम तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है। रमन किधर है? अभी अभी सोने गए हैं। गाड़ी निकालो, आज उस कालिया पांडे का भूत उतारना है। कालिया पांडे कहाँ है? राजापुर गए हैं। वो लड़की कहाँ है जिसको उसने उठाया? वो भी उनके साथ राजापुर गई है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मुझे छोड़ दीजिए। मार पड़ेगी तो पानी नहीं मांगोगे। कुछ मत कीजिए, जाने दीजिए। नहीं, प्लीज। ए, अरे धर्म के पुजारी, मुझे रुलाने के लिए और उसे छुड़ाने के लिए यहाँ आए हो?
अकेले ही आ गए और कोई साथ में नहीं आया। धर्म और न्याय जिसकी आत्मा हो उसके इलाके में जो अधर्म करता है उसे दंड देने के लिए मुझे आना ही पड़ता है, और तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इज्जत से उस लड़की को छोड़ दो वरना सर काट दूंगा तेरा। महानुभाव क्या है ये, जहाँ भी जाते हो मेरे सर पर उस तरह फिरा डालते हो। ऐसा करते हैं मैं खुद ही आ जाऊंगा, सर काट लेना, दिल चीर लेना, जो चाहे वो कर लेना, पर अभी यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा यहीं पर राज तिलक कर दूंगा। रेप करने में बहुत मजा आता है ना, अब इसके लायक नहीं रहोगे तुम। जाओ बेटे स्नान कर लो। ए, जी रूम दिखाओ इसे। जी मैंने आपको गलत समझा है, सॉरी। गलती कोई और करता है और आपस में हम लड़ने लगते हैं, जैसे इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। नेवर माइंड, हम जैसे लोग हैं ना सभी को एक करने के लिए। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। बचपन से ये गीत सुनता आया हूँ, आज भी गुनगुनाता हूँ इसे। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, अब सिर्फ ये काम हो जाए तो मुझे खुशी होगी। चलता हूँ। तुम जिस काम से आए थे वो खत्म हो गया, तुम उसे कहीं नहीं पहुंचा सकते। हा? क्या मतलब? उसका अब कोई नहीं है, उसके पिता ने उसकी मां को मार डाला, वो बेच चुका है उसे, अब वो एक अनाथ है। उसके लिए यही एक सुरक्षित जगह है, इसलिए अब उसके लिए मां पिता भाई बहन सभी कुछ मैं ही हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो यहां पर बहुत खुश रहेगी। मैं उसकी शादी अपने भाई से करवा कर उसे इस घर की बहू बना दूंगा। Any objection? दोस्त बने हो कुछ दिन और ठहर जाओ, उसे भी अच्छा महसूस होगा। Don't feel bad. किसी किसी की जिंदगी ऐसी ही होती है, जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, इसी को तकदीर कहते हैं। ओए। बेटा ये क्या? बेटे स्नान करके कपड़े बदलने को कहा था ना। ओ सोच रही हो कि किसके घर आ गई हूं, यहां स्नान के। ये क्या बेटे, तुम तो अभी तक रो रही हो, आंसू से ओवरफ्लो होकर अगर बांध टूट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस करो बेटे, मां बाप नहीं रहे इसकी चिंता मत करना। लो ये मेरी मां की साड़ी और गहने पहन लो। लो बेटा अब से ये घर तुम्हारा है, यहां पर तुम्हारी ही चलेगी। इन्हें पहनकर घर में घूमती रहोगी तो मुझे लगेगा जैसे मेरी मां मेरे सामने है। अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है।
अब रोना बस भी करो बेटा। देखो बेटा, दुख हमारी पीठ की तरह होता है, हर दिन हम इसे नहीं देखते हैं, हम अपने चेहरे को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही हमें दुखों को भूल जाना चाहिए, यही जिंदगी है बेटा। अरे ये तुम्हारी पीठ पर क्या है? हाँ, दिखाई नहीं दिया ना? ऐसे ही दुख दिखाई नहीं देना चाहिए। अब बताओ, फिल्मों की सुपरस्टार नंदिता, कैसा रहा मेरा उपदेश? मैं चलूं? हाँ। किस लिए? भाभी से प्यार का इजहार करने के लिए। तुम्हारी भाभी कहाँ है? बड़े भैया के कमरे में। भैया, भगवान भैया, जरा खड़े हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? खड़े तो हो जाओ भैया। जय हो। हाँ, जल्दी लाओ। ये लीजिए। ये सब क्या है? तुम्हारी दोस्त को यहाँ लाने के लिए। तुम ना होते तो वो कभी नहीं आती, ना इस जन्म में मेरी शादी होती। नहीं होती भैया, पर अब मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। आपको क्या चाहिए बोलो, मैं दूंगा। हाँ, मांगो भैया, क्या चाहिए? रुपया, पैसा, धन दौलत, क्या चाहिए बोलो, हम सब देंगे। एक रुपए का सिक्का। एक रुपया? कॉइन दे। जब भी किसी से मांगो तो कभी नहीं मिलता है, क्या करें। एक रुपए की क्या बात है भैया, ये लो रखो। नोट सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, कॉइन ना सड़ता है ना फटता है, हमेशा बना रहता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर कॉइन ही क्यों? उसे तुम दोनों के हाथ पर रखकर आशीर्वाद देने के लिए, ताकि ये रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। भैया, तुम सच में भगवान हो? भगवान हो? ए, घर में जितनी शराब है ले आओ, हम जश्न मनाएंगे। उसे पीने वालों से नफरत है। किसको? मेरी जान को? ए, घर में जितनी दारू है सब फेंक दो, जाओ। भैया, उसकी पसंद और क्या क्या है? मैं? फिर तुम क्यों पी रहे हो? वो नाराज हो जाएगी। नाराज मैं क्यों, उसका पति थोड़ी हो। रिंग तो बज रही है पर उठाता ही नहीं है। ये उसका सर खाएगी ये सोचकर उठा नहीं रहा होगा। माँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ की तरह लग रही हो। माँ,
इस घर में तुम्हें क्या चाहिए बगैर संकोच के मांगो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कुछ क्यों, सब कुछ तुम्हारा है, जितना चाहो ले लो। किसी को देना हो तो बताओ, मैं खुद पहुंचा दूंगा। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ पर्सनल गिफ्ट देना है उस महापुरुष को। जीवन देने वाले को भगवान कहते हैं, पर तुम्हारे लिए यही तुम्हारे जीवन का भगवान है। उसे तो जितना भी दे दो कम है, जो चाहो दे दो। हाँ, कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी मातृभाषा नहीं, इसलिए मैं दो दिनों से तुम्हारी मातृभाषा सीख रही हूँ। अरे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? हार्ट फेल होना बाकी रह गया। बड़ा अच्छा मजाक था ये। क्या तुम सिगरेट पी रहे हो? इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है ना? हानिकारक तो है, प्यार कोई खेल नहीं। फिर भी हम ये खेल खेलते हैं, दिल टूटने का तो डर हमेशा रहता है, फिर भी हम सब ये खेल खेलते हैं। क्या ये नहीं है इंजुरीज टू हेल्थ? ओ भगवान भैया, ऊपर वायर पड़ा है, नीचे फेंक दो ना। ये हर जगह लाइट्स क्यों लगा रहे हैं? कुछ स्पेशल है क्या, कोई त्योहार है? हाँ, आई एम सॉरी, कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कोई इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, बी हैप्पी। स्टॉप इट, तुमसे किसने कहा मेरी शादी हो रही है? देव जी, अपने देव जी। नंदिता साक्षात देवी को मेरा नमस्कार। क्या बात है? ओ, अरे क्या चाल है इसकी। नंदिता, क्या हुआ बेटे? जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की, लेकिन मैंने आपको भगवान का स्थान दिया, आप भी वैसे निकले। देव, बहुत बड़े धर्म संस्थापक हैं आप मेरी स्थापना कहाँ करना चाहते हैं? हाँ, मैं कोई पत्थर की देवी नहीं हूँ जिसे दो चार मंत्रों के साथ हवन करवा कर आप मुझे जहाँ मन चाहो वहाँ रख सकते हो। मेरे सीने में भी दिल है, उसमें कई अरमान है, मैं भी अपने अरमानों के साथ जीना चाहती हूँ, पर क्यों आप सब लोग मुझे कठपुतले की तरह यहाँ से वहाँ नचा रहे हो? पिता, चाचा, दादा, दोस्त बनना छोड़ आप सब लोग मुझे गंदी नजर से देखते हो, तो मैं किसे अपना भाई कहूँ और किसे पिता? ऐसा क्यों है? मैं भी सभी की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे इतना भी हक नहीं। इतने कपड़े पहनने पर भी क्या मैं तुम्हें नंगी नजर आती हूँ? हाँ, तुम लोगों को औरत में शरीर के अलावा और कुछ नजर नहीं आता? उसका प्यार, आंसू, करुणा, उसकी ममता, विश्वास, कुछ भी नजर नहीं आता। अंधेरे में उसके कपड़े उतार कर उसे देखने वालों, उजाले में उसके दिल में जाकर एक बार तो देखो। क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते? माँ, बेटी,
देखो बेटी, तुम्हारा कोई नहीं है ये सोचकर मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहा। एक बार मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, गलती हो गई, क्षमा कर दो बेटी। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बोलो, ये शादी मैं अभी कैंसिल कर दूंगा। दया कीजिए प्लीज, ये शादी रुकवा दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ए, तुम्हारे इनकार करने से क्या होता है? रामदेव, इस लड़की को भूल जाओ। क्यों? मैं भूल जाऊं और तुम शादी करोगे? धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की रक्षा करने वाला वंश हमारा, अधर्म के लिए यहां कोई जगह नहीं है। भाई हो तो भी, गुनाह किया तो काट डाले जाओगे। मारोगे? हुँ? मारो, तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। इसे लेकर मैंने न जाने कितने सपने देखे हैं, कितने। मैंने अपने दिल में उसके लिए प्यार का ताज महल बनाया है। अब अगर वो महल ही ढहने लगा तो मुझे क्या लेना है तुम्हारे धर्मम शर्मम गच्छामि से। इधर आ। मारोगे? मुझे मारोगे? मार डालूंगा, मार डाल। सीधा खड़ा रहे, हिला तो मैं इसे मार डालूंगा। तू कौन है रे परदेसी? क्या लगती है ये तुम्हारी बहन, भाभी, बीवी, लवर या फिर रखेल? ज्यादा होशियारी नहीं? होशियारी करोगे तो तुम्हें क्या, तुम्हारे भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें मार के कहां दफन कर दूंगा, समझे? ए, तुम भी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा राम नहीं रावण हूँ। तुम अगर भगवान हो तो मैं शैतान हूँ। इस बार जीत श्री राम की नहीं, इस लंकेश्वर की होगी। खामोश हो जाओ, तभी जिंदा रहोगे, वरना फिर से जन्म लेने के लिए ऊपर से माँ को बुलाना पड़ेगा। नहीं। मुझे लक्ष्मण चाहिए था, लंकेश्वर नहीं। सोच रही हो कि मैं कैसा आदमी हूं? देव, औरतों के बहते आंसू इस देव को बर्दाश्त नहीं होते। अब बोलो बेटी, तुम्हें कौन पसंद है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। वो चला गया, उसे रोक लीजिए। कहाँ जाएगा, आदमी मर के भी इसी धरती पर वापस आता है, फिर जिंदा आदमी कहाँ जाएगा? तुम उसे प्यार करती हो और वो? हेलो। हेलो बॉबी, कैसी हो जान? एक मिनट, आई एम ओके, हाउ आर यू? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी एम्बेसडर गाड़ी की तरह एक्सीडेंट होकर भी कुछ नहीं होता है मुझे।
आई एम नॉट ओके जान, आई एम नॉट ओके। मुझे किसी ने थैंक्स नहीं कहा तो क्या हुआ, मुड़कर नहीं देखा तो क्या हुआ, वहां मेरे दिल की आवाज किसी ने नहीं सुनी तो। भागी, अरे हीरो, क्या हुआ वहां पर, किसने तुझे थैंक्स नहीं कहा? क्या कह रहे हो भागी? लव जैसी चीज क्या वाकई में होती है? हर आदमी अगर ऐसा पूछे तो कैसा चलेगा? अगर प्यार ना होता तो ये दुनिया ही ना होती। जो एक दूसरे के लिए जीते हैं उसी को प्यार कहते हैं। तुमने ये क्यों पूछा? उसे यूं छोड़कर आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम इन लव बॉबी, और ये बात मैं उसे कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो ये भी नहीं जानता मुझे चाहती है कि नहीं। चाहती है? कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम दोनों के बीच कोई नहीं है, अगर कोई आ भी गया तो ये देव जान देकर भी तुम्हारी शादी करवाएगा। फोन करके आज ही अपने घर वालों और फ्रेंड्स को यहाँ आने के लिए कहो। फ्लाइट्स की टिकटें मैं यहीं से बुक करवा दूंगा। जीते रहो बेटा। यही है देव जी। नमस्कार। नमस्ते। जीते रहो। आइए, अंदर आइए। क्यों, सब ठीक है ना? आओ चलो। बॉबी, मैं यहाँ तुम्हारी खुशी में शामिल होने नहीं, तुम्हारी खुशी छीनने आई हूँ। छीनने के लिए हिम्मत चाहिए बॉबी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अरे चलो आ जाओ। काम डैम सीरियस भगी, रोमांस मुझसे और शादी उससे। मैं ये शादी रोककर उसी पंडाल में तुमसे शादी करूंगी, देख लेना। हाय। हाय बॉबी। हाय। तुम भी यही सो जाओ। मैं तो यही सोऊंगी, पर फिर तुम कहाँ सोओगे? यहीं पे, इसी बेड पर, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आदमी तो एक ही है, उसे कैसे बांटेंगे? ये क्या कह रही हो तुम? भगी की मैं पहली लवर हूँ, तुम दूसरी हो। वो क्या कहते हैं उसे, स्टेपनी, हाँ, जो सिर्फ पंक्चर के वक्त ही काम आती है, बाकी वक्त में बैक सीट परमानेंट। फ्रंट सीट पे आओगी तो मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, ये शादी भी नहीं चाहिए। पांडे जी, नंदिता का परसों शादी हो रहा है, अरे कुछ कीजिए। हाँ, हम जाकर पूरा गैंग को बुला लें। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो क्या मैं किसी और लड़की के यहाँ गया? नहीं गया। क्या तुम जाओगे? अरे बदमाश, ये काम मेरा है और ये काम मैं ही करूँगा। आओ। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें नंदिता की कसम है। Oh!
भगवान, तुम मंगलसूत्र बांधो, मैं संभाल लूंगा। बकी, Yeah!